नगर निगम के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर डिप्टी मेयर प्रकाश राम की अध्यक्षता में मंगलवार को एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में शहर में साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर और कर्मियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान इनके कार्यों में लापरवाही को देखते हुए कड़ी फटकार लगाई गई। बताया गया कि शहर में कई वार्डो में आकांक्षा की गाड़ी साफ सफाई के लिए नहीं पहुंच रही है। वहीं निगम क्षेत्र के 36 वार्ड में लगभग 18 वार्ड ऐसा है जहां पर साफ सफाई के लिए इनके कर्मी और गाड़ियां पहुंच रही है, लेकिन बाकी वार्ड साफ सफाई से वंचित रह जाता है, जिससे शहरवासी संतुष्ट नहीं दिख रहे और बार बार निगम में सफाई को लेकर लोगों की सूचनाएं आ रही थी, जिसको देखते हुए उपमहापौर प्रकाश राम ने कर्मियों को फटकार लगाते हुए 8 दिनों के अंदर अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की बात कही। बताया गया कि अगर फिर भी सुधार नहीं हुआ तो विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल पदाधिकारी मंजूर आलम, गौरी शंकर यादव, आकांक्षा कंपनी के सुपरवाइजर रविंद्र कुमार, शिव पूजन कुमार, आफताब, उमेश, रोहित, शमशेर रजा सहित निगम के अन्य कर्मी मौजूद थे। आज स्वच्छ भारत मिशन की एक आवश्यक विभाग की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई और स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य रूप से 2-3 विभाग जो प्रमुख विभाग है, जैसे आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट का काम है कि सभी वार्डों में गाड़ी को भेजकर और कूड़ा संग्रहण करना, ताकि किसी भी वार्ड में कूड़ा कचरा नज़र नहीं आवे। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने का काम आकांक्षा मैनेजमेंट करती है, लेकिन इधर काफ़ी उसके कामों में लापरवाही देखी गई है। सभी 36 वार्डों में और कूड़ा संग्रहण के लिए गाड़ियां जानी चाहिए, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि केवल 20-21 वार्डों में ही गाड़ियां जा रही है। तो आज हमने उनको कड़े शब्दों में निर्देश दिया है कि सभी वार्डों में गाड़ी को भेजना सुनिश्चित करें। शहर में और साफ सफाई को लेकर, जैसे डस्टबिन लगाने का काम, बहुत सारे उपकरण जो सफाई से संबंधित है उसको खरीदने का काम, ऐसे कार्यों को भी हमने कहा है कि यथाशीघ्र करें ताकि शहर साफ और सुथरा रह सके। धन्यवाद।